आप सभी का मेडिकोज टॉपिक पे स्वागत है। आज मैं इस लेक्चर में बात करूँगी स्टेजिंग ऑफ कैंसर के बारे में। जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि बोला जाता है वो कैंसर फर्स्ट स्टेज में है, सेकेंड स्टेज में है, ठीक है। टोटल इसका 4 स्टेज होता है। तो मैं इस लेक्चर में बात करूंगी कि कब आप ट्रीट कर सकते हो कंप्लीट तरीके से, ठीक है। मतलब कि अगर फर्स्ट स्टेज में है या सेकेंड स्टेज में है तो कितना परसेंट चांसेस है कि वो सरवाइव कर सकता है और कितना परसेंट उसको ठीक कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये सब के बारे में आज मैं इस लेक्चर में बात करूंगी। तो देखिए, स्टेजिंग क्लासिफाई द क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ कैंसर एंड डिग्री ऑफ मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस मतलब क्या होता है कि जब कैंसर एक ऑर्गेन से दूसरे ऑर्गेन में स्प्रेड होने लगता है, लाइक अगर लीवर में है तो लीवर से लंग्स में जाएगा, बोन में जाएगा, ब्लड में जाएगा, ठीक है। मतलब कि वो फैल रहा है तो उसे हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो स्टेज में हम यही पढ़ते हैं कि मेटास्टेसिस जो है वो कितना हो रहा है, ठीक है, किस किस ऑर्गेन को इफेक्ट कर रहा है। अब हम बात करेंगे स्टेज जीरो के बारे में। तो स्टेज जीरो में है तो कार्सिनोमा इन सीटू मतलब होता है कि कोई भी कैंसर वगैरह प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, और इसका 100% आप इसे ट्रीट कर सकते हो। ये TNM क्लासिफिकेशन है, तो TNM क्लासिफिकेशन का भी मैं वीडियो बनाई हूँ, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, देन आपको ये समझ में आएगा। तो इसका क्लासिफिकेशन सॉरी ट्यूमर क्लासिफिकेशन होगा कि कोई ट्यूमर प्रेजेंट नहीं है, N0M0 मतलब कोई नोड नहीं है प्रेजेंट, ना कोई मेटास्टेसिस है इसमें। अगर हम स्टेज फर्स्ट की बात करें तो स्टेज फर्स्ट में होता है लोकलाइज्ड ट्यूमर ग्रोथ सर्वाइवल चांस 70-90%। मतलब कि स्टेज फर्स्ट में है तो एक लोकलाइज्ड जगह में होगा, ठीक है। सपोज़ ये लीवर है तो अगर कैंसर हो रहा है तो बस इतना सा ही एरिया को इफेक्ट करेगा, एक लोकलाइज एरिया में, और ये स्प्रेड नहीं करेगा, ठीक है। और इसका भी अगर हम TNM क्लासिफिकेशन की बात करें तो T1 मतलब कि ट्यूमर है बट लिम्फ नोड या मेटास्टेसिस जो होता है वो अभी प्रेजेंट नहीं है। अगर इसकी सर्वाइवल चांस की बात करें तो 70-90% है कि ये सर्वाइव कर हो सकता है, ठीक है। अगर हम इसे ट्रीट करें तो 70-90% है कि वो ट्रीटेबल है और इसका चांसेस होता है 5 ईयर्स तक ये रह सकता है। अब हम बात करेंगे स्टेज सेकेंड के बारे में। तो स्टेज सेकेंड में लिमिटेड लोकल स्प्रेड सर्वाइवल चांस 45-55%, ठीक है। लिमिटेड लोकल एरिया में होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ये क्या है कि ये लीवर है, ठीक है। तो इसमें जो है फर्स्ट स्टेज में लोकलाइज स्टेज फर्स्ट हो रहा है, ठीक है, लोकलाइज एरिया में ही हो रहा है। और अगर हम सेकेंड की बात करें तो एक लिमिटेड, अब फर्स्ट एक लोब जो है उसको पूरा वो इफेक्ट कर दिया है, और फर्स्ट और सेकेंड डिग्री को आप ट्रीटेबल कर सकते हो। मतलब जिसे बोलते हैं हम कि जड़ से ख़त्म करना, तो फर्स्ट या फिर सेकेंड डिग्री में अगर है तो आप इसे ट्रीट कर सकते हो, एकदम पूरा जड़ से जिसे हम ख़त्म करना बोलते हैं वो इसमें हो सकता है, इट इज़ अ पॉसिबल। अगर हम स्टेज थर्ड की बात करें तो एक्सटेंसिव लोकल एंड रीजनल स्प्रेड, ठीक है, मतलब कि अगर लंग्स में हो रहा है तो एक ही लंग्स को ये इफेक्ट करेगा, ठीक है, और इसमें सर्वाइवल चांसेस रहता है 15-25%। लेकिन थर्ड स्टेज में क्या होगा कि आप इसे ट्रीट तो कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, ठीक है, इसे आप जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते हो स्टेज थर्ड में। और अगर हम स्टेज फोर्थ की बात करें तो डिस्टेंडेड मेटास्टेसिस, डिस्टेंडेड मेटास्टेसिस मतलब हुआ कि अब होल बॉडी में कैंसर स्प्रेड हो चुका है, फैल चुका है, और इसका सर्वाइवल चांस जो रहता है वो सिर्फ 5% से भी कम चांसेस रहता है कि ये ट्रीट हो सके, ठीक है, मतलब अब पूरे बॉडी में फैल चुका है। आई होप कि आपको स्टेज ऑफ कैंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।